आज मैम लेकर आई हूँ बिल्कुल नई रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने फूले हुए चने लिए हैं, कुकर में उसे डाल दिया है मैंने। देखिए यहीं पे मैं डाल दे रही हूँ दो आलू को, थोड़ा बड़े टुकड़े में काट करके। यहीं पे मैंने 1 इंच अदरक का लिया, 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया और 1 मीडियम प्याज को बारीक काट के डाल दे रही हूँ। और फिर मैं यहीं पे 1 टमाटर को भी काट के डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर मैं डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं मैगी मसाला ले रही हूँ, इससे ना इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और गरम मसाला ले रही हूँ 1 चम्मच, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने हींग लिया है, इस हींग से भी टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ मैं। और यहीं पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसे भी मैं डाल दे रही हूँ। अब सबको मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए मैं सबको मिला दे रही हूँ अच्छे से, सबको अच्छी तरह मिक्स कर देना है फ्रेंड्स। अब मैं गैस ऑन कर दे रही हूँ। गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। मैं सरसों का तेल डाल दे रही हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने 3 सीटी लगा लिया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है ये सब्जी और बहुत कम मेहनत में बनी है। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।